तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग को देखना है इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला, यानी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक फार्मूला। तो पहले देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगला क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगला देख रहे हैं कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, या दूसरा देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम लोग क्या किए, ए प्लस बी को एक बार लिख दिए, ए प्लस बी को एक बार लिख दिए, उसके बाद जो होल स्क्वायर कर दिए और माइनस टू ए बी को जो हम लोग घटा दिए। या हम लोग लिख सकते हैं या ए माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दो कि यहाँ दिए हैं क्या, प्लस टू ए बी, अगर हम लोग यहाँ बीच में प्लस लेते हैं तो जो है टू ए बी माइनस में लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी लिए हैं तो यहाँ पे ए प्लस टू ए बी लेना पड़ेगा। अगला देख रहे हैं हम लोग कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ध्यान दो यहाँ दिया है ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या ए माइनस बी का होल क्यूब सेम है, यहाँ प्लस में है यहाँ पे माइनस में है, तो क्या होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब रहेगा प्लस में रहेगा तो सभी में जो है प्लस आ जाएगा, जैसे कि ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर है प्लस बी क्यूब है। अगर ए माइनस बी का होल क्यूब है, अगर बीच में माइनस है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस में आ जाएगा, ये जो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और यहाँ पे जो है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी में माइनस आएगा उसके बाद माइनस बी क्यूब आएगा। उसके बाद अगला देख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लोग देख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ले रहे हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी प्लस के रूप में लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस में ए बी आ जाएगा। अगला देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिए हैं तो यहाँ पे शुरू में क्या लेना पड़ेगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों जो है यहाँ पे देख रहे हैं अगर ए प्लस बी ले रहे हैं यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ले रहे हैं तो ए प्लस बी यहाँ देना पड़ रहा है। उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ माइनस वाला है तो माइनस वाला आ रहा है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो है सिर्फ माइनस हो जाता अगर प्लस वाला लिए तो, और ये माइनस वाला ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है फोर ए बी। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ रहे यानी ए भी रहे बी भी रहे सी भी रहे प्लस में रहे उसका स्क्वायर के रूप में रहे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलेंगे इसको। इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर जो है प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। उसके बाद क्या किए, टू ए बी, क्या होता है टू ए बी प्लस टू बी सी, क्या होता है कि टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू सी ए प्लस टू सी ए। उसके बाद अगला देख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी कर दिए इंटू करेंगे ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस जो है ए सी हो जाएगा।
अगला देख रहे हैं कि ए पे पावर एम इंटू ए पे पावर एन है। अगर जो है बेस सेम है, बेस सेम है गुना के रूप में रहेगा तो जो पावर जो है वो जुड़ जाता है। बेस सेम है अगर गुना के रूप में रहे तो पावर जुड़ जाता है। जैसे हम और जो है आधार को बेस को एक बार लिखा जाता है, यहाँ क्या किए ए पर पावर एम है इंटू ए पर पावर एन है। यहाँ देख रहे हैं कि ए ए है गुना के रूप में, तो बेस सेम है तो ए को एक बार लिखें और एम प्लस एन कर दिए। अब ध्यान दो कि ए पे पावर एम बाय ए पर पावर एन रहे तो आधार सेम रहे बटे में रहे तो पावर जो है वो घात जो है वो घट जाता है। यहाँ किए क्या किए हैं कि जो ए पे पावर एम माइनस एन कर दिए, यानी जो है बटे के रूप में है और पावर अलग अलग रहे तो जो सेम होता है उसको एक बार लिखते हैं और पावर घट जाता है। अगला यहाँ देख रहे हैं कि ए पे पावर एम पर पावर एन है तो दो अगर पावर के रूप में रहे तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक बार लिखते हैं और एम इंटू एन कर देते हैं। अगला यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग कि ए इंटू बी पर पावर एक्स है तो ए पर अगर उसको अलग अलग करेंगे तो ए पर भी पावर एक्स हो जाएगा इंटू बी पर भी पावर एक्स हो जाएगा। देख रहे हैं अगला कि ए बाई बी है, क्या है ए बाई बी है और पावर एक्स के रूप में है, यानी कि जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वन है तो एक्स पर पावर जो है ए बाई बी है पर पावर जो एक्स है, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो ए पर भी पावर एक्स है और बी पर भी पावर जो है एक्स है। उसके बाद ए पर पावर वन बाई एक्स का मतलब होता है कि वन बाई एक्स तो एक्स जो है रूट से बाहर आएगा और जो ए जो है रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये हम लोग देखिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हर एक जो है क्लास के लिए लगभग लगभग इस फार्मूला का, ये सभी फार्मूला का यानी कि अलजेब्रिक फार्मूला का जो यूज जो होता है।